हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सब सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, ये छोटा छोटा बाजरा यही बोया गया, सूख रहा है। वहाँ सरसों के बीज में भी बाजरा है और यहाँ पर भी है, मतलब पूरा माथे से माथे तक भरना है। अभी 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 6:30 भी नहीं बजे हैं, सभी लोग अपने खेतों में हैं। देखिए, एक डोगी हमारे पीछे पीछे आया, यहाँ पर बैठा है, और एक अभी अभी आ रहा है। ये पालतू नहीं है, सब जंगली हैं, मतलब गांव में रहते हैं। और ये बाप रे, सरसों को सब पक्षियाँ तोड़ तोड़ कर खा रही हैं। हे भगवान, देखिए उसमें पक्षियाँ सब इतना तेज खा रही हैं सब सरसों, क्या बताएं, दिख नहीं रहा है ना। तो ये देखिए, ये तो सरसों ना उसी नीम के पेड़ पर बैठी हैं और वहीं से खा रही हैं। सुबह सुबह रानी और सोना को चारा पानी डालने के बाद गए चक्की वाले बाबा के घर। देखिए, वहाँ पर पानी पाइप लेने के लिए, पाइप देखिए बिछाने के लिए, तो आज देखिए बिछा था, तो अब अपनी छोटी सी पाइप फैला कर बैठे हैं भरने के लिए। अभी उनका खेत भर जाएगा तो अपना भरेंगे। इतनी पक्षियाँ हैं, सब चहचहा रही हैं, सब खेत को नुकसान पहुँचा रही हैं। हमारी ज़िंदगी तो खेत में पानी भरते भरते जा रही है। ये देखिए, ऐसे सब खा गई हैं। खेत में बहुत ज़्यादा धूप की घास हो गई है ना, तो उसे मम्मा खुरपा से करके ले जाएंगी रानी और सोना के लिए। नहीं तो ये धूप जो होती है बहुत ज़बरदस्त घास होती है। देखिए, इस गन्ने के खेत में हम लोग 3 बार गन्ना बोए लेकिन तब भी नहीं उग रहा है, पानी की कमी हो जा रही है इसे। देखिए, झाड़ू वाली सरसों जो है इसे बहुत अच्छा झाड़ू मारा जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। कल आफ्टर में हम आए थे लाइव, लगभग 1 घंटे रहे होंगे, नहीं 43 की 48 मिनट, ऐसे ही याद नहीं आ रहा है, इतना मिनट थे। तो लाइव इन किए, फिर इसके बाद थोड़ा सा सो गए, बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, फोन हाथ से गिर जा रहा था बार बार। फिर इसके बाद जब सोकर उठे, फिर चारा पानी डालने के बाद पशुओं को कपड़ा धोए थे, हाँ कपड़ा धो कर सोए थे, नहा कर धो कर सोए थे। फिर उसके बाद उठे, नहीं भूल रहा, कैसे कैसे था, सुबह का काम करने के बाद इसके बाद खाना पानी खाए, कपड़ा धोए और नहा कर फिर लाइव स्टार्ट किए थे। 1 से 1 घंटे रहेंगे या उससे कम ही रहेंगे। फिर इसके बाद लाइव एंड कर दिए क्योंकि नींद लग रही थी। फिर उसके बाद सो गए, सोकर उठे तो फिर चारा पानी डाले, अपने खाना खाए। फिर इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ अब याद है। इसके बाद ना हम खेत में आ गए, क्या धनिया काटने के लिए, धनिया पक गई थी और सब जल रही थी, तो आ गए धनिया काटे। फिर देखे पपीता बहुत ज़्यादा पका था, 4-5 पपीते पके थे, उसे तोड़ कर रखी। फिर घर गई तो धनिया पीट रही थी, तो छूट ही नहीं रहा था हमसे क्योंकि उसका दूसरा प्रोसेस है। फिर उसे बटोर कर रख दी और शाम हो गई तब। और गांव में लोगों को पाइप बिछी थी ना, पानी भर रहे थे लोग गन्ने में, तो उधर हमारी बाग के तरफ, तो उधर हम भी भरे। 7 बज गया था, पानी भरते पाइप बटोरते हुए 7 बज गया। फिर उसके बाद घर गए फिर अपने गाय भैंस के पास, वहाँ सोना और रानी के पास। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, सोना जिसका नाम है वो भैंस है,
और जो रानी है ना वो गाय है। और तो इसके बाद दुआ करके फिर इसके बाद हाथ पैर धोकर गए घर में, देखे हमारा रिचार्ज था ही नहीं, इसलिए हम शाम को लाइव नहीं आ पाए थे। अभी तक हमारे फोन में रिचार्ज नहीं है। कब होगा रिचार्ज कुछ पता नहीं है। अब मॉर्निंग में सोकर उठे, चारा पानी डालने के बाद खेत में आ गए फिर से पानी भरने, क्योंकि पानी तो हर जगह हमें ही भरना पड़ेगा। पापा हमारे थे जब, तब पापा भरते थे, पापा अब चले गए हैं मुंबई तो हमें ही भरना पड़ता है। अभी देखिए दूसरे के खेत में पानी जा रहा है, वो पता नहीं कब बंद कराएंगे, ओवरलोड पानी कर रहे हैं। हमें यहाँ दो घंटे या फिर 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पाइप बटोरने और पानी भरने में। तब तक ही आपकी बहनियाँ भूखे भूखे मर जाएगी, बहुत भूख लगती है, इतनी मोटी है तब भी भूख लगती है। देखिए हम बाल वाल जब बिगड़ा है सोकर उठे ना, तो हम बाल वाल नहीं बाले। मेरी मम्मा और सुमित गए हैं लोग, मामा के लड़की की शादी थी, शांति दीदी की शादी थी, तो वहाँ पर गए हैं लोग, तो अभी तक नहीं आए। शादी की रात ही सुमित की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी बता रही थी। और फिर कल भी तबीयत ख़राब थी इसीलिए आ नहीं पाई। आज देखिए कब तक आती है मम्मी। हमारा भैया हम लोगों को मिस कर रहा होगा, मेरा सुमित। जितना मम्मी बोलता है उतना ही दीदी बोलता है, क्योंकि उसकी दीदी 5 है और मम्मी 1 ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दीदी के पास रहता है, क्योंकि 5 लोगों के साथ रहता है, दीदी के साथ और मम्मी के साथ अकेले रहता है। और इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे तो अपने माँ को ही ज़्यादा मानते हैं, लेकिन वो अपने दीदी को भी मानता है क्योंकि दीदी की संख्या ज़्यादा है। कल मम्मी से बात कर रही थी तो बोल रहा था दीदी दीदी दीदी, बस इसके सिवा कुछ बोलता ही नहीं। अगर पापा से बात करता है तो पापा पापा पापा, किसी की बात कुछ नहीं सुनेगा, बस उसको जो बोलना वही बोलेगा। और इतना लेकर दौड़ने लगता है फोन ना, जैसे लगता है वो अब बस में अपने है ही नहीं, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, जहाँ ले जा रहा है वहाँ जा रहा, किसी की बात सुनेगा नहीं। और फ़ोन पर एकदम लगातार टच करेगा कि हम एकदम फ़ोन लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ो जैसी फीलिंग आ जाती है उसे। कब आएगा मेरा भैया, मिस यू सुमित भाई, आई मिस यू माई यूट्यूब फैमिली, माई ब्रदर माई सिस्टर। मैं लाइव नहीं आ पाई, देखिए कब रिचार्ज होता है। गरीब की मजबूरी नहीं समझता कोई। देखिए गाइस पानी स्टार्ट हो गया है, बहुत दूर से पाइप आ रही है, पानी स्टार्ट हो गया घर में। अब कितना समय लगता है पता नहीं। चाचा और हमारी वाली मेड़ फूट गई थी, जिससे इतना पानी इनके खेत में आ गया। उधर हम देखने लगे थे क्योंकि उधर भी फूटा था, इधर भी इतना पानी आ गया। अब तक हमारे खेत में कितना गया होता, उनके खेत में तो अभी ज़रूरत भी नहीं थी पानी की। ये पानी भी ना उल्टे सीधे रास्ते पर चला जाता है इंसानों की तरह, यहाँ तक किसी तरह से आया है पानी। हो भगवान, देखिए अभी कितना समय लगता है। हाँ गन्ने के खेत में पानी उतर गया, अब देखते हैं कितना समय लगता है। पानी तो उतर गया है गन्ने के खेत में, देखते हैं कितना समय लगता है। हमें भी भूख के मारे जान जा रही है, तूफान की वजह से पूरा बाल बिगड़ गए हैं। कोई बात नहीं, बाल तो बिगड़ने ही हैं, टकला करा ले क्या।
गाइस ठीक है ना, अब चलते हैं।